अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं इंशाल्लाह ताला आपसे क्लास 9 का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर शेयर करूंगा, तो आप इंशाल्लाह इस पेपर को याद भी कर लें, से जितने इससे जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक है वो भी आप तमाम टॉपिक्स याद कर लें। और मैंने अपने भी एक पेपर शेयर किया है क्लास 9 के हवाले से, वो भी आप ज़रूर याद कर लें। तो इंशाल्लाह ताला आपको जो भी पेपर होने वाला है क्लास 9 का कंप्यूटर का, वो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से हो सकता है। ये अनीसी हुसैन का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है और आपसे मैं शेयर करूँगा और पूरा समझाऊँगा कि किस तरीके से ये सवाल कहाँ किस चैप्टर में मौजूद है। और इसी तरीके से अगर आपको इसका PDF वगैरह चाहिए हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, hafizirfanspeaks@gmail.com। ओके, तो सेक्शन बी से शुरू करते हैं। इसमें आपको 8 सवाल करने होते हैं और 24 नंबर के एक सवाल 3 नंबर का होता है, 24 नंबर टोटल होते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू कर रहा हूँ कि डिफरेंस बिटवीन लैन मैन एंड वैन, इनका डिफरेंस क्या है। चैप्टर नंबर 4 का सवाल है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क का डिफरेंस आपस में क्या है, आपको ये डिफाइन करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, नेम एंड एक्सप्लेन 3 कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी चैप्टर नंबर 4 का सवाल है, आप वहीं से याद कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन एनी वन, इन तमाम में से कोई एक डिफरेंस या सभी याद कर लें तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंसेस है। ओके, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एनालॉग, डिजिटल, दोनों चैप्टर 4 के हैं। DBMS और फाइल जो है ये चैप्टर नंबर 7 का है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू नो अबाउट HTML, ये चैप्टर नंबर 6 का सवाल है। HTML के बारे में आप क्या जानते हैं, ये पूरा जो इंट्रोडक्शन है पहले सफ़े को आप याद कर लेंगे तो यहाँ से कवर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन 6, हाउ कैन यू अप्लाई फार्मूला इन MS Excel में, कैसे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 3 में आपको मिल जाएगा। ओके, इसी तरीके से डिफाइन द टर्म इनपुट, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल इनपुट डिवाइस एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम, चैप्टर नंबर 1 का सवाल, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सही तरीके से आप पढ़ लें। और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी आप देख लीजिएगा, उसकी खुशियत करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फंड सॉफ्टवेयर पेरिसी एंड प्लेजरिज्म, ये चैप्टर नंबर 5 का सवाल। इस तरीके से सेकेंड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ये भी चैप्टर नंबर 5 का है, आप वहीं से याद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर कंप्यूटर बसेस, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, आप वहीं से भी वहीं से याद कर सकते हैं। ओके, इसी क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स, जो HTML सिंबल टैग्स वगैरह ये तमाम आप याद कर लें, और जितनी भी टैग्स वगैरह चैप्टर नंबर 6 से हैं वो तमाम समझ के, अब एक दफ़ा समझ लें तो अपने वेडिंग में भी आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो टैग कोई भी आ सकता है, अब इसे कम से कम याद कर ले, 3-4 आ सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12, राइट द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस ऑटोमेशन प्रोग्राम्स, मतलब इसमें MS Word Excel का क्या पर्पस मकसद क्या है, ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, आप वहीं से कवर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से और राइट द फुल नेम ऑफ द फॉलोइंग, इन तमाम के फुल नेम अगर आप देख लीजिएगा आसान है, कुछ चैप्टर नंबर 4 के हैं और कुछ AI आर्टिफिशियल वगैरह, वहीं से आप याद कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 4 से ज़्यादातर हैं। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम विद एग्जांपल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और एग्जांपल्स क्या है, चैप्टर नंबर 2 का है क्वेश्चन, इसकी कुछ एग्जांपल्स है वो तमाम आप याद कर लें। ठीक है, इस तरीके से और इसमें OSI मॉडल लेयर्स, इस चैप्टर नंबर 4 का है, आप वहीं से याद कर सकते हैं। इसी तरीके से सेक्शन सी पर आ जाएँ, सेक्शन सी जो है जो भी 24 नंबर का है, और कोई भी 4 सवाल आपको करने होते हैं और एक सवाल 6 नंबर का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डेटाबेस, आल्सो डिस्क्राइब डेटा टाइप्स एंड इन डेटाबेस, तो इसमें रिलेशनशिप ऑफ डेटाबेस का आपको डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, तो ये चैप्टर नंबर 7 का है। चैप्टर नंबर 7 से एक सवाल तो आता ही है, तो आप चैप्टर नंबर 7 ज़रूर आप याद कर रहे हैं लॉन्ग के हवाले से। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, सी चैप्टर नंबर डायग्राम के साथ बनाने, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉमन सवाल है इस साल के लिए, यह आ सकता है वैसे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन मॉडेम विद इट्स डिफरेंट टाइप्स, मॉडेम क्या है उसके डिफरेंट टाइप्स, चैप्टर नंबर 4 का है, चैप्टर 4 आप वहीं से याद कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन द फॉलोइंग वेब डेवलपमेंट टर्मिनोलॉजीज, ये तमाम चैप्टर नंबर 6 का एक सवाल है, तो आप यहीं से भी याद कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 6 एंड 7 से एक लॉन्ग तो ज़रूर आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क्राइब डिफरेंट करियर्स ऑफ IT इन डिफरेंट फील्ड्स इन डिटेल, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 का है,
ये मेरे ख्याल से पिछले साल आया, तो इस साल थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, मेरा ख्याल है। इसको सबसे आखिर में देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन 19, डिस्क्राइब इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल एरा, मेंशन ऑल द डिवाइसेस व्हिच हैड डिस्कवर इन दिस एरा विद इन्वेंटर ईयर्स ऑफ इन्वेंशन फंक्शंस। ये चैप्टर नंबर 1 का है क्वेश्चन, हम उसको पढ़ लीजिए, और ये तमाम पूरा एक कम्प्लीट पेपर है, आप इसे याद कर लें ज़रूर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी दूसरों से भी शेयर कर लें, चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये PDF चाहिए हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, hafizirfanspeaks@gmail.com।